नमस्कार, म्यूचुअल फंड कोर्स के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो कैसे काम करता है, क्या म्यूचुअल फंड सही में सही है और क्या म्यूचुअल फंड फिक्स रिटर्न देता है। तो इन सारे सवालों के जवाब हमने पहले एपिसोड में पाए। पहले एपिसोड में हमने ये भी बात की थी कि म्यूचुअल फंड्स मेनली दो एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, डेट और इक्विटी। तो डेट म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इनके कई सारे टाइप्स होते हैं। तो आज हम डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड से। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कई सारे अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जनरली तीन टाइप्स होते हैं, स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड्स। इनके अलावा भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स, ELSS दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, RGESS दैट इज राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, देन इक्विटी इनकम स्कीम एटसेट्रा। देखो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को भूल जाइए। जैसे कि आपको पता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। चाहे कोई भी कंपनी हो, उसे परफॉर्म करने में टाइम लगता है। जब कोई डाउनफॉल या रिसेशन आ जाता है तो उसमें कई बार जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है उनके शेयर प्राइस भी गिरने लगती है। इसलिए जरूरी होता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना। सो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। चलो तो बात करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार म्यूचुअल फंड्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार म्यूचुअल फंड के जनरली तीन टाइप्स होते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें कंपनी की साइज पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,85,000 करोड़ के करीब चल रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी कंपनी है। सो अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदना है तो आपको 7,85,000 करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें कंपनी की साइज पता चलती है कि कंपनी छोटी है, मीडियम है या बड़ी है। अगर कंपनी छोटी है तो उसे स्मॉल कैप कंपनी कहा जाएगा, अगर कंपनी मीडियम है तो उसे मिड कैप कंपनी कहा जाएगा और अगर कंपनी बड़ी है तो उसे लार्ज कैप कंपनी कहा जाएगा। तो जनरली जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15-20 हज़ार करोड़ से कम होता है उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है, और जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15-20 हज़ार करोड़ से 1 या 1.25 लाख करोड़ के बीच में होता है उन्हें मिड कैप कंपनीज कहा जाता है, और वही जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 या 1.25 लाख करोड़ से ऊपर होता है उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। कंपनी जितनी छोटी उतना फेल होने का खतरा ज्यादा होता है। छोटी कंपनी के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम होती है, तो जब कोई रिसेशन आ जाता है या उस कंपनी से रिलेटेड कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो ऐसे समय कई सारी छोटी कंपनीज नहीं टिक पाती। इसलिए स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना रिस्की माना जाता है। वही छोटी कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी ज्यादा होता है, इससे ज्यादा रिटर्न मिलने की अपॉर्चुनिटीज भी उनमें काफी ज्यादा होती है। वही जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उनके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकअप होता है, तो जब भी कोई खराब टाइम आता है तो अच्छा फाइनेंशियल बैकअप होने की वजह से ये कंपनी स्टेबल रहती है और उनके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए जिन इन्वेस्टर्स को कम रिस्क लेनी होती है वो लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप कंपनीज पहले ही बहुत बड़ी कंपनीज बन चुकी होती है। जैसे कि हम देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, ये सारी बहुत बड़ी कंपनीज है, ये लार्ज कैप कंपनीज है और ये कंपनीज पहले ही बहुत बड़ी बन चुकी है। इनमें जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है वो स्मॉल कैप कंपनीज के कंपैरेटिवली कम होती है, तो लार्ज कैप कंपनीज स्टेबल रिटर्न्स के लिए जानी जाती है, यानी उनमें रिस्क कम होता है, वही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड होती है, इसलिए आपको स्टेबल रिटर्न्स वो दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है उनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो काफ़ी ज़्यादा होती है, साथ में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहते हैं वो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। वही जो मिड कैप फंड्स है वो स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बीच में आते हैं। अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के अगले टाइप की। इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगला टाइप है सेक्टर फंड्स। सेक्टर फंड्स किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैंकिंग फंड है तो वो बस बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, अगर कोई टेलीकॉम फंड है तो वो बस टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि भारतीय एयरटेल में, आइडिया वोडाफोन में एटसेट्रा। तो सेक्टर फंड किसी स्पेसिफिक सेक्टर या इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो उस फंड को अच्छे रिटर्न मिलेंगे, और अगर वो सेक्टर खराब परफॉर्म करता है तो खराब रिटर्न मिलेंगे। तो सेक्टर फंड्स वैसे काफ़ी रिस्की होते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं, और अगर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है तो उस फंड को काफ़ी खराब रिटर्न्स मिल सकते हैं। पिछले कुछ सालों में बैंकिंग सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, सो अगर आप बैंकिंग सेक्टर के रिटर्न्स को देखोगे तो उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। ऑन द अदर हैंड, पावर सेक्टर पिछले कुछ टाइम से काफ़ी खराब परफॉर्म कर रहा है, सो अगर आप पावर सेक्टर फंड्स को देखोगे तो उन्होंने काफ़ी खराब परफॉर्म किया है। अब अगले टाइप के बारे में बात करते हैं।
इक्विटी फंड का अगला टाइप है थीमेटिक फंड्स। थीमेटिक फंड्स किसी थीम में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज, ये एक थीमेटिक फंड है जिसकी थीम है हाउसिंग। तो ये थीमेटिक फंड हाउसिंग से जुड़ी जो भी चीजें हैं उनमें इन्वेस्ट करता है, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, सीमेंट कंपनीज में, स्टील कंपनीज में, ग्लास की कंपनीज में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में और पेंट कंपनीज में। तो हाउसिंग फाइनेंस, सीमेंट, स्टील ये अलग अलग सेक्टर की कंपनीज है, पर क्योंकि इस फंड की थीम हाउसिंग है इसलिए इसमें अलग अलग सेक्टर की कंपनीज आ जाती हैं। तो अगर हाउसिंग ये थीम चल जाती है तो जो सेक्टर हाउसिंग से जुड़े हैं उन्हें उसका फ़ायदा मिलेगा और इस फंड को भी उसका फ़ायदा मिलेगा, और अगर हाउसिंग ये थीम नहीं चलती है तो इस फंड को अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो थीमेटिक फंड भी एक रिस्की फंड होता है जिसका पूरा खेल उस थीम पर डिपेंड होता है। तो जैसे हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वैसे कई तरह की अलग अलग थीम्स होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी थीमेटिक फंड है तो वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। तो जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ने वाली है, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फंड में वो कंपनी शामिल होगी जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ी है, जैसे कि बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट बनाने वाली कंपनीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनीज एटसेट्रा। तो जैसे कि हमने देखा था कि सेक्टर फंड किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, तो थीमेटिक फंड किसी थीम में इन्वेस्ट करता है, और जब वो किसी थीम में इन्वेस्ट करता है तो जनरली वो उस थीम से जुड़ी दो चार अलग अलग सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो जनरली थीमेटिक फंड में दो चार सेक्टर्स कवर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे ELSS, दैट इज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के बारे में। ELSS एक टैक्स सेविंग स्कीम है। अगर आप ELSS फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। टैक्स डिडक्शन को समझने के लिए आपको इनकम टैक्स के स्लैब्स को समझना भी जरूरी है। तो चलो तो देखते हैं कि इनकम टैक्स के स्लैब्स इंडिया में कैसे हैं। 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है, लेकिन रिसेंटली बजट में अनाउंस किया गया कि अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको रिबेट मिल जाएगा, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 20% टैक्स लगेगा, और अगर आपका इनकम 10 लाख रुपए के ऊपर है तो आपको 30% टैक्स लगेगा। चलो तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। सो जैसे कि हमने बात की कि अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको रिबेट मिल जाएगा, यानी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए के ऊपर है तो आपको टैक्स लगेगा। लेट से कि आपका इनकम 5,50,000 रुपए है तो आपको टैक्स कैसे लगेगा? देखो, एक बात यहाँ पर आप समझ लो कि अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच की जो टैक्स लैब थी वो गायब हो गई। नहीं, वो वैसी की वैसी है। तो वो किसे अप्लाई होगी? वो उन लोगों के लिए अप्लाई होगी जिनका इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है। सो यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि आपका इनकम 5,50,000 रुपए है तो आपको टैक्स कैसे लगेगा? तो आपको 2.5 लाख से 5 लाख, ये जो 2.5 लाख की अमाउंट है उस पर 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होता है 12,500। 5 लाख के ऊपर आपके 50,000 की अमाउंट आती है, तो उस 50,000 रुपए पर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 50,000 का 20% होता है 10,000। सो 12,500 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 22,500 रुपीज। तो ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। वही अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए से कम होता तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। तो इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है। तो मान लेते कि आपका इनकम 6.5 लाख रुपए है और 1.5 लाख रुपए अगर आप ELSS में इन्वेस्ट करते हो तो उस पर आपको 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा, और फिर 6.5 लाख में से 1.5 लाख माइनस करने के बाद आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 5 लाख रुपए, जिस पर आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है तो आप ELSS में इन्वेस्ट करके इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 80C का फायदा ले सकते हो। ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगला टाइप है RGESS, दैट इज राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम नए इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्होंने पहले कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है। राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 80CCG के तहत आती है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट का 50% डिडक्शन मिल जाता है, और इस डिडक्शन की लिमिट 25,000 रुपीज़ है। यानी अगर आप RGESS में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो उसका 50% होता है 25,000, उतना टैक्स डिडक्शन आप ले सकते हो। RGESS में 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है और आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही आपने पहले कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया होना चाहिए। RGESS नए इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगला टाइप है इक्विटी इनकम फंड, जिसे डिविडेंड यील्ड स्कीम्स भी कहा जाता है। इक्विटी इनकम फंड्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको रेगुलर डिविडेंड मिल सकता है। तो इक्विटी इनकम फंड का मेन इनकम सोर्स होता है डिविडेंड इनकम। अगर आपको डिविडेंड क्या होता है ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसमें से जो पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है उसे डिविडेंड कहते हैं। लेकिन जनरली आप देख सकते हो कि ज्यादातर कंपनीज रेगुलर डिविडेंड नहीं देती है, और उसका कारण भी है क्योंकि अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस पर उन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता है। इसलिए बहुत सारी कंपनी पिछले कुछ दिनों में शेयर बायबैक ला रही थी, जिसके जरिए वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिला रहे थे बिना किसी टैक्स पे किए।
लेकिन अब रिसेंट बजट में शेयर बायबैक पर भी टैक्स लगाया गया है, तो हो सकता है कि कंपनीज फिर से डिविडेंड का रूट अपनाएं। डिविडेंड का प्रॉब्लम यह है कि किसी कंपनी ने अगर इस साल डिविडेंड दिया है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कंपनी आगे भी डिविडेंड देती रहेगी। डिविडेंड देना है या नहीं, यह डिसीजन पूरी तरह कंपनी पर डिपेंड होती है, इसलिए डिविडेंड इनकम पर आजकल हम ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। तो कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो उस पर उन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है, और अगर कंपनी शेयर बायबैक करती है तो उस पर भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर कंपनीज अपने बिजनेस में पैसा रीइन्वेस्ट करना ही पसंद करती है ताकि वो उन पैसों से अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सके। तो हमने जिन अलग अलग म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में बात की वो सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स थे। नेक्स्ट एपिसोड में हम डेट म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में जानेंगे, साथ ही म्यूचुअल फंड की और भी जो कैटेगरीज होती है उनके बारे में भी बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में अच्छी सी जानकारी आज मिल गई होगी, साथ ही टैक्सेशन के बारे में भी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।